राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की सुगबुहाट, अशोक गहलोत अपने 6 मंत्रियों को हटा सकते हैं। इन 6 मंत्रियों पर गिरेगी गाज, जबकि 10 नए मंत्री बनाए जाने की खबर सचिन पायलट समर्थकों को मिलेगा ज्यादा महत्व। वहीं कांग्रेस पार्टी के कमेटी गठन को लेकर भी सामने आई बड़ी खबर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान में गहलोत के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुहाट तेज हो गई है। गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब मंत्रिमंडल की सियासत गरमाई हुई है। राजस्थान में सियासत के लिहाजा से नए साल जनवरी का महीना काफी खास माना जा रहा है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा और 31 जनवरी से पहले पहले मंत्रिमंडल विस्तार की भी खबरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तख्ती उपज हालत और सरकार गठन के 2 साल बाद मंत्रियों के रिक्त पद को भरने के लिए महत्वाकांक्षा जारी है। प्रभारी अजय माकन ने हाल ही में राजस्थान में 3 दिवसीय दौरा और राज्य में बारीकी से नज़र बढ़ाए हैं और गहलोत पायलट समर्थक 4 से 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। इसमें 2 पहले वाले मंत्रियों को तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें 3 और नए को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें हेमाराम चौधरी और एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। इन दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना फाइनल है और एक कांग्रेस का बड़ा नाम है जो कांग्रेस का प्रतिपक्ष नेता भी रह चुका है, जिसको भी लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। ऐसे में बने सियासी हालतों को देखते हुए राजस्थान में आने वाले दिनों में कई बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। गहलोत के इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिलेगी और किसकी छुट्टी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।